पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कश्याप पियूषकांत राय के नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 4/9/2022 को थाना कश्याप पुलिस टीम द्वारा दो अभियुक्त शाह आलम उर्फ राजा पुत्र वजीर शाह सपहा लक्ष्मीपुर थाना कश्याप, दिलीप कुशवाहा पुत्र दुर्गेश कुशवाहा बेनुआ पार सपहा थाना कस्या जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किए गए सामानों की बरामदगी की। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। टीवी इंडिया 18 के लिए कुशीनगर ब्यूरो चीफ ब्रजेश कुमार पासवान। बड़ा खुलासा हुआ है, किस तरह का प्रकरण है और क्या मामला है? पिछले कुछ समय में थाना क्षेत्र कस्या के प्राथमिक विद्यालयों में कुछ चोरी की घटनाएं हुई थी, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था। इस क्रम में थाना कस्या की टीम का गठन किया गया था। उसी निर्देश के क्रम में मुखबिर की सूचना पे आज दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनसे पूछताछ के क्रम में उनके द्वारा बताया गया कि जो भी प्राथमिक विद्यालयों में इधर बीच की चोरियाँ हैं उनके द्वारा कारित की गई हैं। उनके अतिरिक्त एक अन्य सदस्य का भी नाम उनके द्वारा बताया गया है। तीन में से दो की गिरफ्तारी हुई है, एक उसमें से फरार है, उसे भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। उन अभियुक्तों की निशानदेही पे पिछले छह चोरी जो प्राथमिक विद्यालय में हुई है, जिनमें से पांच कस्या थाना क्षेत्र की और एक भट्टी थाना क्षेत्र में की गई है, वो सभी सामान लगभग बरामद हुआ है, जिसमें कई सारे सीलिंग फैन है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, ताले जो तोड़े गए थे वो ताले, कुछ और भी सामान जो उनके द्वारा ले गए, कुछ टुल्लू पंप, इस तरह की जो भी चीज़ें थी लगभग बरामद की गई हैं। और जो एक अभियुक्त बचा है उसके भी गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जा रही है।